बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 11 और जॉइंट स्टॉक कंपनी, अकाउंट्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, चैप्टर नंबर 4, आई कॉम पार्ट 2। और आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इस प्रॉब्लम की जो टाइप है जी, वो इशू हो रहा है। चारों केस हैं, चार डिबेंचर के जो केस होते हैं। इशू पार पे भी हो रहा है, प्रीमियम पे भी हो रहा है, डिस्काउंट पे भी हो रहा है, और एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। इसमें उसने तकरीबन सारा चैप्टर ही डिबेंचर वाला जो सारा पोर्शन था सारा उसने एक में घुसेड़ दिया है। तो पार पे भी है, प्रीमियम, डिस्काउंट, एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे भी इशू हो रहा है। चारों केस हैं। कंसिडरेशन कैश पे भी है, एसेट के अगेंस्ट भी है, लोन के अगेंस्ट भी है, यानी वो नथिंग वाला केस। और व्यू पॉइंट फ्रॉम कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आइए इसको शुरू कर लेते हैं। अब ये अलग अलग केसेस असल में दिए हुए, तो हमने एक दो एक एक एंट्री हर एक की पास कर देनी। पास जनरल एंट्रीज फॉर द इशुएंस ऑफ द डिबेंचर, 6000 डिबेंचर हैं, 100 का एक है और इशू किया है एट पार फोर कैश। तो पैसा आया होगा और डिबेंचर दे दिया होगा, तो क्या बनेगा? बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। परसेंट डिबेंचर के साथ है नहीं, तो खाली डिबेंचर अकाउंट लिख देंगे। तो 6000 डिबेंचर आपने उसको पार पे इशू कर दिया, तो इससे मल्टीप्लाई करना 600000 रकम बन जाएगी, 600000 ही आ जाएगा। ये पहला केस हो गया कि डिबेंचर बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि बैंक एसेट बड़ा होगा और डिबेंचर लोन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट होगी। ठीक है, 5000 डिबेंचर आपने 100 का एक डिस्काउंट पर इशू किए हैं, ₹5 फॉर कैश, ₹5 उसके ऊपर जो है वो डिस्काउंट है। तो 95 का फिर इसका मतलब आपके पास शेयर इशू हो, पैसे आए होंगे बैंक में। तो 5000 डिबेंचर है, तो 95 को 5000 से करें मल्टीप्लाई, तो 4,75,000। तो बाकी डिस्काउंट भी डेबिट होना है, वो चूंकि ₹5 एक के ऊपर है, तो 5000 है तो 25000 के बन जाएंगे। तो डिबेंचर अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट विद अ पार वैल्यू, डिबेंचर अकाउंट आपका 500000 से क्रेडिट हो जाएगा। पिछली ये मैं थोड़ा सा रफ्तार में इसलिए साथ साथ बताता जा रहा हूँ, क्योंकि पिछली आपने एंट्री अगर पिछली प्रॉब्लम्स नहीं देखी है तो उसको सीक्वेंस में देखें। तो प्रॉब्लम नंबर 1 को देखें, फिर 2 को, 3 को, सीक्वेंस वाइज उसमें ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी अगर पहले वीडियो आपने नहीं देखी हुई तो। एनी हाउ, बीइंग डिबेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5 ईच, ये डिस्काउंट पे इशू हो गया। उसके बाद है 4000 डिबेंचर जो है वो 100 का एक है, 10% प्रीमियम पर आपने इशू किया है, तो प्रीमियम क्रेडिट अलग हो जाएगा और डिबेंचर अकाउंट तो पार पे क्रेडिट होता है, 110 का होगा। तो बैंक में पैसे 110 के हिसाब से आएंगे, तो 4000 को 110 से मल्टीप्लाई कर दें, 4000 को 110 से करें मल्टीप्लाई, तो टोटल रकम आ जाएगी आपके पास। बैंक अकाउंट आएगा 4,40,000 से, और उसके बाद जो है वो डिबेंचर अकाउंट 4,00,000 से क्रेडिट होगा, डिबेंचर अकाउंट होगा 4,00,000 से क्रेडिट, जबकि प्रीमियम जो है वो आपका ₹10 है, तो 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 4000 के साथ, 40,000 बन जाएगा, तो प्रीमियम अलग हो जाएगा सेपरेट। ठीक है, यानी तादाद को ही मल्टीप्लाई करना है, 100 के साथ करोगे तो डिबेंचर, 110 के साथ करोगे तो बैंक, और 10 के साथ करोगे तो प्रीमियम। ये आ गया, तो बीइंग डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम 10%। उसके बाद जो अगला ये केस इसने लिखा हुआ है ना यहाँ पे डी वाला, टू वेंडर फ्रॉम होम द फर्नीचर आपने खरीदा है उससे ₹50,000 का, और 5500 डिबेंचर आपने उसको इशू कर दिए हैं 10 के। अब ये देखो उसके डिबेंचर 10 का जब एक है, तो इसको अगर 10 पे डिवाइड किया जाए तो ये तो बनते हैं 5000, तो 5000 बनते हैं। इसका मतलब है कि ये अब जो बाकी डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 5000 का, ये कहाँ से आ गया? इसका मतलब ये है कि इसने फिर डिस्काउंट पर इसको इशू किया है, या फिर उसने गुडविल के तौर पर, दोनों केस आप इसमें कर सकते हो, ज़्यादातर हो सकता है कि गुडविल वाले के हिसाब से लेके चलें, दोनों ही सही केस होंगे। यानी या तो उस, क्योंकि डिबेंचर ज़्यादा दे रहा है डिस्काउंट पर, जब भी वो ऑफर करेगा तो तादाद डिबेंचर्स की बढ़ जाएगी, डिबेंचर की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक चीज़ ₹10 की मिलनी है वो आपको ₹5 की मिले, तो रकम उतनी आपके पास हो तो ज़्यादा ही चीज़ें आएंगे ना उसके अंदर, तो इसका मतलब इसके यूनिट्स बढ़ जाएंगे डिस्काउंट पर, आपके डिबेंचर के यूनिट्स बढ़, इसका मतलब ये डिस्काउंट पर दे रहा है 10 ईच इशूड फॉर द सेटलमेंट। अच्छा, अब इसको देखिए, वेंडर से चूंकि खरीदा तो फर्नीचर आया और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन इसमें चूंकि डिस्काउंट है तो वो भी डेबिट होगा, और वो डिस्काउंट सीधा सीधा है 500 ऊपर बन रहा है जी, 10 के साथ आप उसको करें आपके पास तो 5000 बनता है। तो फर्नीचर आया 50,000 का, डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 5,000, जबकि डिबेंचर अकाउंट पूरे 55,000 से क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ इसको गुडविल कंसीडर करें, तो अगर तो गुडविल केस लेना है ना, तो फर्नीचर अकाउंट 50,000, गुडविल अकाउंट 5,000 और वेंडर अकाउंट 55,000, और बाद में वेंडर अकाउंट 55,000 से हो जाएगा डेबिट और डिबेंचर अकाउंट 55,000 से हो जाएगा क्रेडिट। ये इस तरह भी हो सकती है, उसमें फिर दो एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी, चाहे वो पास कर लो चाहे ये पास कर लो, उन्होंने मेंशन तो किया नहीं है ना कि गुडविल केस है या कि डिस्काउंट पे कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। तो इसका मतलब है फिर हमारी मर्जी है, जो हम मर्जी करें उसमें, चाहे आप उसको डिस्काउंट पे करें चाहे उसको गुडविल कंसिडर करें। अगर तो गुडविल केस लेना है तो फिर दो एंट्रीज पास कर दो यहाँ पे, फिर उसमें
गुडविल अलग सेपरेटली ऊपर लिख दी जाएगी 5,000 की, और अगर डिस्काउंट कंसिडर करना है तो डिस्काउंट और इशू आप यहाँ पे लिख के 5,000, बाकी उसको डिबेंचर दे दो। लो जी, उसके बाद आपके पास आता है आखिरी और इशू ऑफ 1,80,000 डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर लोन ऑफ 1,50,000 फ्रॉम द बैंक। लोन कितना लिया? 1,50,000 लोन लिया है, 1,50,000 और डिबेंचर दिया 1,80,000 का। तो दो होती है, बैंक टू बैंक लोन और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। दो एंट्रीज आपके पास हो जाएंगी, बैंक टू बैंक लोन 1,50,000 बीइंग बैंक लोन ऑब्टेन और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट 1,80,000 बीइंग इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट द बैंक लोन। इसके बदले में जो कुछ नहीं आता तो इसलिए सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे आता है। तो लो जी, प्रॉब्लम खत्म। ये थी प्रॉब्लम नंबर 11। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो इसको करें डिसलाइक, और वीडियो देखने का